हेलो दोस्तों, आपका विभूति क्लासेज में वेलकम है। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं बिहार में, और एक बिहार में एक रोहतास जिले का एक छोटा सा गांव है। छोटू ये कौन सा गांव है? अनिल नगर। क्या है? अनिल नगर। अनिल नगर। अनिल नगर। अनिल नगर। अली नगर। अच्छा, ये अली नगर है दोस्तों। और एक हमारी बिहार की एक लड़की है सलोनी कुमारी, उसका गाना बहुत ही वायरल हुआ है, और ये तिलौथू प्रखंड में आता है ना। तिलौथू प्रखंड है बाबू? अच्छा, ये तिलौथू के अंदर आता है, और आप सभी जानते हैं कि उनका ये गाना बहुत वायरल हुआ है। और आज हम लोग सलोनी के घर आए हैं, और चलते हैं दोस्तों सलोनी के घर, उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे वो इतना वायरल हो गई। आइए दोस्तों उनके घर की ओर चलते हैं। कैमरामैन आप थोड़ा घर की ओर आइए सलोनी के यहाँ। ये देखिए दोस्तों सलोनी का घर है, ये आप देख रहे हैं सलोनी के घर। तो आइए हम लोग मिलते हैं वो वायरल घर सलोनी से, और हम लोग कुछ बात करेंगे सलोनी से। ये देखिए सलोनी की, ये देखिए वायरल घर सलोनी है। आइए बैठिए, और सलोनी से हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? सलोनी। सलोनी कुमारी जी। आप इनका चेहरा सब लोग देखे होंगे, ये बहुत वायरल चेहरा है, और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं भी बिहार के रोहतास जिले का ही रहने वाला हूँ, और हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत दिल लगी से पढ़ते थे, और आज हमारे साथ वायरल गर्ल सलोनी कुमारी हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना एक पहचान बनाया है, पूरा बिहार इनको जानता है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इनको आपको और जानना चाहता हूँ कि जानिए इनकी सलोनी गर्ल को। और इनकी प्रतिभा इतनी अच्छी है क्योंकि इनके जिह्वा पे माँ सरस्वती बैठी हुई है, और आपको पता है कि कला का कोई मतलब उसका क्या कहा जाए, अगर कला की देखिए तो इसकी कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। तो हम लोग कुछ बात करते हैं सलोनी से। सलोनी किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। अच्छा, घर में कौन कौन है? हम है और मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, भैया है, चार। अच्छा जी। पापा बाहर रहते हैं। पापा बाहर रहते हैं जी। अच्छा, तो ये बताओ कि आपका गाना वायरल कैसे हुआ था? 22 तारीख को अभिभावक गोष्ठी था। अच्छा, और 1 से लेकर 5 तक बच्चों के माता पिता आए हुए थे। अच्छा। हमारी मैम कविता मैम और सर प्रधानाध्यापक और धर्मेंद्र सर गणित के बारे में बता रहे थे। अच्छा जी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था उस दिन, तो उस दिन हम गाना गाए थे और सर रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक पेज पे डाले थे। वहाँ से एक लाइव सिटी चैनल नाम है एक भैया का। अच्छा जी। चैनल का वो वहाँ से उठाकर वो डाले अपने चैनल पर। अच्छा जी। वहाँ से वायरल हुआ था। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक मैंने आपको देखा था कि आपको एक बार जिला शिक्षा पदाधिकारी के पोस्ट पर बैठाया गया था। जी, वो बहुत खुश थे वो लोग कि हमारे रोहतास की लड़की आगे बढ़ रही है, तो वो वहाँ पर हम और हमारे सर और हमारी मम्मी गई थी, वो बुलाए थे। अच्छा। और सम्मानित किए थे, और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे जी, वो अपनी कुर्सी पर बैठाए थे हमको। ये कितने बड़े गौरव की बात है, लोगों का सपना होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी बनना, और सलोनी इसको बनाया गया, तो वो तो लोग खुश होंगे, उससे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी। जी हुई होगी जी। और आप कोशिश करेंगे तो वो मंजिल भी दूर नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगी, है कि नहीं जी? और ये देखिए हम लोग भी मतलब कह रहे हैं कि जो कला है इसका कोई पूजा नहीं है, इसका कोई मतलब अमूल्य चीज़ है, जैसे पंखों की उड़ान है। अगर आपके पास कला है तब हर मंजिल को, हर सपने को, आपको पंख है, उस पंख से किसी चीज़ को आप पा सकते हैं, वो आपकी मंजिल की उड़ान है। तो अगर आप कला है तो आप इसी तरह अपनी कला को बनाए रखें, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। दोनों चीज़ों का सामंजस्य जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ सरस्वती को भी आप देखेंगे तो उनकी हाथ में किताब भी है और साथ में वीणा भी है। तो वीणा क्या बताता है? यही चीज़ बताता है कि आप पढ़ाई के साथ संगीत भी ज़रूरी है जी। और हालांकि संगीत भी एक शिक्षा है जी। ऐसा नहीं है, संगीत भी एक शिक्षा है और उसका कोई मूल्य नहीं है, बार बार मैं ये बताना चाहता हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि वो जो वायरल गाना था वो आपसे मैं सुनना चाहूँगा। दिन पर दिन बिगड़ल जाता
रूपवा के दासाना सा छोड़ब की न, दिन पर दिन बिगड़ल जाता रूपवा के दासाना सा छोड़ब की न। अब तो हरे फिक्रिये भैनी गलल बा दासाना सा छोड़ब की न। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या गाना है। मतलब कि इनके गाने में, गाने के साथ इसमें एक संदेश भी है। आपने एक और गाना गाया था, एक दहेज के, दहेज पे भी शायद एक गाना गाया था। पाई पाई बेच के खोजल दुल्हन करिया, पाई पाई बेच के खोजल दुल्हन करिया, आ लईकी न करिया होली दहेज होला करिया, लईकी न करिया होली दहेज होला करिया। देखिए दोस्तों, लईकी करिया ना होली दहेज होला करिया, इन्होंने गाना तो बहुत अच्छा गाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्होंने गाने के साथ ये जो सामाजिक बुराइयां हैं उस पर भी बहुत अच्छा फोकस किया है। जैसे इन्होंने बोला है ना कि लड़की काली नहीं होती है, करिया का मतलब काली नहीं होती है, दहेज काला होता है। दहेज काला का मतलब कि एक सामाजिक बुराई है, हमें समाज से इन चीज़ों को, दहेज को, अशिक्षा को, ये जो चीज़ें हैं इनको निकालना है। तो हमारी जो बच्ची सलोनी कुमारी है, ये गाने के साथ एक समाज को एक पहचान देती है, समाज को एक शिक्षा देती है, एक बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग आजकल देखते हैं भोजपुरी गाने में फूहड़पन बहुत ज़्यादा आ चुका है, अश्लील गानों से लोग क्या है अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो क्या है कि कोई भी चीज़, सलोनी मेरी तरफ से एक मतलब एक समझ लो परामर्श समझ लो चाहे जो भी समझ लो, कि अगर कोई भी चीज़ शॉर्टकट तरीके से जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, शॉर्टकट चीज़ से सफलता मिलेंगी तो क्षणभंगुर है वो, लॉन्ग लाइफ उसका नहीं है। जैसे आप बालू से महल बना लेंगे तो देखने में अच्छा लगता है, तो सेम हमारे जीवन में भी यही हाल है। अगर हम कोई चीज़, छोटी चीज़ क्षणभंगुर से, अश्लीलता से, पुहड़पन से चाहेंगे कि हम जीवन में सफलता पा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी लंबी चीज़ नहीं है, लंबी कोई ऐसा दौर नहीं है। थोड़े देर के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मिल सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो गाना गाते हैं इसी तरह से गाते रहें, अपने पढ़ाई को भी जारी रखें और अपने मम्मी पापा का भी सेवा करते रहें, सब कुछ अपने ज़िले का नाम रोशन करें। और मैं चाहूँगा कि जब भी आपसे आऊँगा हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगी, जब भी हमसे कोई मदद होगा, जहाँ तक हमारी समर्थ होगी, हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको हेल्प किया जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि सलोनी को हमारी तरफ से स्मॉल टोकन ऑफ लव एक गिफ्ट दिया जाए। वो बैग को खोलना, बैग, पहले बैग को पहले सब वो निकाल दो, पूरा पेन वाला भी निकाल लो। देखिए हमने दोस्तों आज सलोनी के लिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है, हमारा जो चैनल है उसको ऐसे ही रखो, वो दो कॉपी दो दोस्तों। हमारा जो चैनल है एजुकेशन चैनल है, एजुकेशनल चैनल में हम बच्चों को ऐसे ही प्रमोट करते हैं जो उनके पढ़ाई में काम आए। और दोस्तों ये देखिए सलोनी, ये हमारी तरफ से स्मॉल टोकन ऑफ लव है, छोटा सा प्यार है। आप पढ़ते रहें, जब जब भी किताबों पर पढ़ेंगे तो विभूति क्लासेज की याद आएगी। तेरा नाम विभूति सिंह है, ये लीजिए। और साथ में ये चीज़ है, ये देखिए पेन है, कितना सारा पेन है देखिए। अब हमको लगता है पूरे पेन जब ख़त्म कर लेंगे ना तब मुझे याद करेंगे कि भैया ये पेन ख़त्म हो गया, मुझे पेन चाहिए क्यों। और एक बैग है आपके लिए छोटा सा, इस बैग से आप स्कूल जाएंगी, ठीक है। और मैं अपनी तरह से थोड़ा सा आपको एक स्मॉल हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है सलोनी कुमारी, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जीरो में तरक्की करते रहें, ठीक है बेटा। और हमारे ज़िले का नाम इस तरह रोशन करते रहें, जब भी आप आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा कि हमें मिलकर, और मैं बता रहा हूँ सलोनी कि मैं जो यहाँ पे पढ़ाता था तो ऐसा नहीं है, आप मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे नागपुर में देखेंगे एक स्टूडेंट मेरा टीटी है, अगर आप पटना में देखेंगे तो मेरी एक स्टूडेंट जो है मैनेजर है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, दो तीन लड़के IIT क्वालीफाई करके
बैंक ऑफ वो आपके इंडिगो में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठते हैं, तो हमने कभी भी बच्चों को जब हमारे पास वो पढ़ने आते थे तो हमने उनके कभी भी आर्थिक मजबूरियों के आगे खेलना कभी नहीं शुरू किया। अगर वो हमारे पास बोलते थे कि पैसे की कमी है तो हमेशा मैं उनको हेल्प करता था। तो हम अपने जीवन में जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं भी बहुत गरीबी से पढ़ा लिखा था तो मुझे पता था दोस्तों कि गरीबी क्या होती है। तो इसलिए कभी भी बच्चा अगर हमारे पास आता था और बोलता था कि भैया मुझे पढ़ना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हमने आज तक कभी बच्चों को मना नहीं किया। और आज उसी तरीके से मैं आज सलोनी को देखा तो मेरा दिल रहा नहीं कि चलो भाई मिल के आता हूँ। और ऐसा नहीं, जब जब भी इस ज़िले में कोई भी लड़का अच्छा करेगा तो हमने अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम चालू किया है कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। और मेरा कोई इंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं, मैं हमेशा एजुकेशन को ही बढ़ावा करता हूँ और एजुकेशन ही हमारी दुनिया है। और मेरा इस चैनल का मकसद है कि हिंदुस्तान के और पार्टिकुलरली बिहार के ही जो भी गरीब बच्चा हो, कहीं पढ़ाई में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हमारी तरफ से आपको सलोनी कुमारी एक एडवाइस रहेगा कि हम अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अभी हम लोग प्रोफेशनल काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने चैनल से अगर कोई कोर्स लॉन्च करूंगा, क्योंकि हम अभी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, अग्निवीर, जितने भी जनरल कंपटीशन की, वन डे कंपटीशन की तैयारी होती है, वो मैथ्स की तैयारी मैं करवाता हूं। और आने वाले दिनों में इसमें 11, 12, 9, 10 की फाउंडेशन मैथमेटिक्स भी चालू होने वाली है। तो जब भी कभी इसमें एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स लॉन्च होगा, अगर पेड कोर्स लॉन्च होगा, तो आपको मैं वो कोर्स फ्री दूंगा। और जब तक वो रहोगे, जब तक आपको पढ़ाई रहेगी, आप हमें बताते रहना, वो आपके लिए कूपन फ्री रहेगा और आप उस तरीके से मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री पढ़ सकती हैं। और अगर हमारे चैनल पे कोई और सब्जेक्ट का अगर हम टीचर हायर करते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट अगर आपको आती है और आपको लगता है कि हाँ भैया हमें इस सब्जेक्ट को ही पढ़ना है और हमें दिक्कत है, तो उसकी भी मदद आपको की जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दूंगा। अब आप ना कुछ बताना चाहेंगी तो बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना मदद करने के लिए, ठीक है। और आप बढ़ते रहे, नया साल है, नए जोश, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ते रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मम्मी पापा का इतना नाम करते रहें, ठीक है। देखिए हमारे दोस्त आपके, हम लोग पूरे, आओ इधर आओ, ये देखो ये हमारे साथ आया हुआ था, हम लोग तो साथ लेकर आए थे कि चलो भाई बैग लेना, ये लेना, इतने बहुत मदद की हमारा, क्योंकि मुझे पता नहीं था दुकान वकान बहुत दिन से मैं छूट गए इस जगह का, ये इतने बहुत मदद किया, तो ये सारे तुम्हें देखने ही आए थे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है जी।